आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सफेद चने, वो भी नए स्टाइल से। 2 कप चने हम लोगों ने भिगो दिए थे तकरीबन आधे घंटे से, और हमें चाहिए आधा कप दाल मसूर। सबसे पहले हम लोग इसको बॉईल कर लेंगे चने डाल के, साथ में हम लोगों ने मसूर की दाल ऐड करनी है और हम लोग इसको बॉईल करेंगे। प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर हम लोग चने डाल देंगे। पानी ऐड करेंगे, इसके अंदर हम लोग मसूर की दाल ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। इसे हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटे तक प्रेशर कुकर में उबालना है। ये देखें, हमारे चने गल चुके हैं। अब हम लोग इसको स्ट्रेन कर लेंगे। सफेद चनों का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ऑयल, 1 बड़ा प्याज, 2 से 3 टमाटर कटे हुए, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि यह नमक हमने उबालते हुए भी डाला था, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा और 3 से 4 हरी मिर्चें। आइए स्टार्ट करते हैं। डेक्ची लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे, उसमें प्याज ऐड करेंगे और इसे ब्राउन होने देंगे। ये देखें, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पानी, जीरा, नमक, मिर्चें, धनिया, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अब इस मसाले को हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के कतरा कतरा और भूनते जाएंगे। उतनी देर तक भूनना है जितनी देर तक ये प्याज इस मसाले के अंदर मिक्स ना हो जाए और ये मसाला ऑयल छोड़ ना दे। उतनी देर तक हमें इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भूनते जाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमें इसको भूनना है। देखिए, ये जब प्याज मसाले के साथ मिक्स हो गई है, अब हम लोग इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं। भूनना है ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर हल हो जाए। और मसूर की दाल के साथ ही तो 2 से 3 मिनट तक हम लोग रखेंगे ताकि इसके अंदर 1-2 उबालियां आ जाए। उसके बाद हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। ढक्कन ढक के रख देते हैं। जी, ये देखें, ये तैयार हो चुका है।
से 3 मिनट हो चुके हैं और ये तैयार हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हम इसके ऊपर हरी मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला। अब ये सफेद चने तैयार हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।